तो यहाँ ना स्कैम क्या होता है, जो रिक्शे वाले होते हैं ना स्कैम करते हैं। अबे मुझे पता भी नहीं चला, मैं पैदल ही आ गया आपसे बात करते करते। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। रात में आ गया था मसूरी और अभी जो हूँ मैं हूँ कुरली रोड पर। तो एग्जैक्टली माल रोड अलग है और कुरली जो रोड है वो अलग है। तो यहाँ मैंने रूम लिया था, तो आज मैं जो जा रहा हूँ घूमने के लिए वो जा रहा हूँ कंपनी गार्डन। तो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप मसूरी आना चाहते हो तो इस ब्लॉग को ना लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ का टोटल खर्च, किस होटल में रुक सकते हो, क्या खाना खा सकते हो, किस टाइम आप आ सकते हो और इस स्कैम से कैसे बच सकते हो। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जाम लगा हुआ है मसूरी में, इतना ट्रैफिक है, सैटरडे संडे तो लोग पागल हो जाते हैं। तो अभी जो मैं चल रहा हूँ ना, ये यहाँ की कुरली रोड है। वाओ क्या व्यू है यार। तो देख सकते हो ये है मसूरी की हसीन वादियाँ और ये रास्ता जो जा रहा है ये मॉल रोड को जा रहा है। तो यहाँ से मॉल रोड का रास्ता शुरू हो जाता है और यहाँ का आप व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ कब आना चाहिए। सैटरडे संडे यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है मॉल रोड, तो रात को आप खुद नज़ारा देख लीजिए रात को कितनी भीड़ रहती है। और यहाँ अगर मैं होटल की बात करूँ तो मॉल रोड पर होटल जो है 4 से लेकर 5 हज़ार रुपये, यानी इससे कम नहीं होते हैं। कल मैंने रूम लिया था तो मुझे सबसे सस्ता रूम जो है 3 हज़ार रुपये का पड़ा है। क्या व्यू है यार। दोस्तों बात करूँ मसूरी की, तो यहाँ से 3 दिन भीड़ रहती है, सैटरडे संडे और ज़्यादा ज़्यादा मंडे। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर रूम लोगे ना तो जो रूम आपको 4000 का मिल रहा है वो मात्र 1500 रुपये में, 1000 रुपये में। तो दोस्तों अब बात करें मसूरी में घूमने की, अगर मसूरी आओगे तो क्या क्या घूम सकते हो आप। पहला अट्रैक्शन तो जाहिर है मॉल रोड ही है। आप आओगे तो मॉल रोड घूम सकते हो। रात का नज़ारा ना बहुत ही शानदार होता है, स्पेशली फ्राइडे सैटरडे और संडे इतनी भीड़ होती है बहुत ही ज़्यादा। और ट्यूसडे वेडनेसडे को आओगे ना तो आपको मॉल रोड में कोई मिलेगा ही नहीं। दूसरा घूमोगे कंपनी गार्डन जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो मॉल रोड से वहाँ 3-4 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद तीसरा जो अट्रैक्शन है वो ये है कैंपटी फॉल, जो मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ बट अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है भट्टा फॉल। तो 4 मेन पॉइंट है यहाँ के घूमने के। दोस्तों यहाँ से मॉल रोड शुरू हो चुका है, इसका व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है। ओफो बहुत ही गजब, क्या व्यू है यार ये देखिए। तो ये आप जाम देख सकते हो मॉल रोड पर, मैंने कहा ना सैटरडे संडे, भाई यहाँ कल होटल ही नहीं मिला हमें, ये देखो। और वहाँ तक जाम आगे तक देख सकते हो जाम। दोस्तों बात करें फूड की, तो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो सकता है। मैंने कल यहाँ पर मसाला डोसा लिया था, वो 180 रुपये का मिला था, लेकिन अगर यही मसाला डोसा मैं बुधवार के दिन लूँगा तो 120 रुपये का, 110 का मिल जाएगा। और अगर और भी नीचे जाओगे तो 80 रुपये से स्टार्ट होता है। और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हर तरह का खाना मिल जाएगा, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना ये मॉल रोड का सेंटर है, मेन पॉइंट है। जाम देख लीजिए कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है। इधर पर आप जो है सेल्फी ले सकते हो, बैठ सकते हो। तो भाई ये जो देख रहे हैं ना ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आकर अगर आपने व्यू या फोटो नहीं लिया ना तो कुछ नहीं लिया, बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ का। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना ये जा रहा है कैंपटी फॉल को और कंपनी गार्डन को, जिससे हम चलने वाले हैं। तो यहाँ ना स्कैम क्या होता है, जो रिक्शे वाले होते हैं ना स्कैम करते हैं। जैसे मैंने पूछा कंपनी गार्डन के कितने पैसे लोगे, उन्होंने कहा 500 रुपये, जबकि 3 किलोमीटर दूर है। तो आप बचें, होशियारी से काम लेकर पैदल चलते रहें, या तो रिक्शा मिल जाएगा या कोई ना कोई सवारी मिल जाती है आपको। 3 किलोमीटर के 500 रुपये तो बनते नहीं है। तो यहाँ से ना आपको टैक्सी मिल जाती है हर जगह के लिए। दोस्तों बात करें आप ब्रेकफास्ट की या स्नैक्स की, अगर आप जहाँ से आपने रूम लिया अगर वहाँ करते हैं तो ओब्वियसली महंगा होगा, तो आप किसी स्ट्रीट फूड या रोड का सहारा लें, वहाँ सस्ता हो जाता है। जैसे मैंने सुबह सैंडविच और चाय ली थी जो मुझे मात्र जो है 45 रुपये में मिली, और यही अगर मैं होटल से लेता तो 130 से 140 रुपये में मिलती। दोस्तों यहाँ की ना हरियाली तो देखने की बनती है, जो व्यू है ना मसूरी के, ओफो क्या व्यू है यार। अबे मुझे पता भी नहीं चला, मैं पैदल ही आ गया आपसे बात करते करते। तो यहाँ से जो कंपनी गार्डन दिखा रहा है मात्र 2 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, यानी 10 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पर किराए पर आपको बाइक भी मिल जाती है, अगर बाइक किराए पर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। भट्टा फॉल हो गया, कंपनी गार्डन हो गया, कैंपटी फॉल हो गया,
और आपका धनौटी हो गया, ये चारों चीजें आपने आसानी से कवर कर लोगे। यार ऊपर लोग कैसे रहते होंगे भाई। तो भाई ये वाला नीचे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है कैंपटी फॉल को, और ये जो जस्ट सामने जा रहा है ये जा रहा है कंपनी गार्डन। यहाँ से बोर्ड देखिए कंपनी गार्डन जो है 1 किलोमीटर रह गया। तो इधर कोई एकेडमी है, बच्चे आ रहे हैं, और ये जो रास्ता है कंपनी गार्डन के। यार क्या व्यू है यहाँ का, नीचे देखने पर ऐसा लग रहा है बहुत ही मजा आ रहा है। देखो मुझसे अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों ये आ चुका है कंपनी गार्डन, यहाँ पर भीड़ देखिए, जाम बहुत लग रहा है, ट्रैफिक बहुत है। चलो अभी चलते हैं अंदर और टिकट लेते हैं इसका। तो फाइनली दोस्तों हम कंपनी गार्डन आ चुके हैं, और अंदर का व्यू तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और टिकट की बात करूँ तो 25 रुपये का टिकट है, और मैंने कहा था ना कि मॉल रोड से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर है। तो अब अभी आप अंदर का व्यू देखिए। क्या व्यू है यार, बहुत ही शानदार। पैसे वसूल हो गए भाई, 25 रुपये में क्या लोगे आप। वाओ खूबसूरत झरना देखिए, ग्रीनरी, शानदार व्यू ये देखिए। तो दोस्तों इसके अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटी है कंपनी गार्डन के अंदर, वो सेकंड व्लॉग में दिखाऊंगा। तो बजट बहुत सिंपल है, यानी अगर मैं बात करूँ तो सैटरडे संडे की अगर आप 2 लोग आते हैं तो होटल आपको 3000 में मिल जाएगा, और आप एक ही रात रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप आएंगे उस दिन पूरे दिन घूमेंगे, शाम को रुकेंगे मॉल रोड पे, फिर अगले दिन घूमेंगे। तो 3000 रुपये का होटल, और आपके एक बंदे का जो खाने का खर्चा वो 2500 रुपये का है, तो यानी 2 बंदे का 500 रुपये एक दिन का, 2 दिन का यानी 1000 रुपये, तो 4000 रुपये हो गए। उसके बाद अगर आप बाइक रेंट पर लेते हो तो 2 दिन के 1000 रुपये हो गए, और उसके साथ साथ अगर आप खाना तुम्हारे की घूमते हो तो 2000 रुपये का पेट्रोल मान लीजिए। कुल मिलाकर एक बंदे के जो खर्च हो रहे हैं वो 3500 रुपये हो रहे हैं सैटरडे संडे में, और अगर आप वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे आते हो तो ये बजट आपका ना आधा हो जाता है, यानी जो रूम का रेंट है ना 3000 रुपये वो 1500 रुपये हो जाता है, यानी मात्र 2500 रुपये में आप घूम सकते हो। ये आपका बजट है मसूरी का, मॉल रोड का, धनोटी का, भट्टा फॉल का, कंपनी गार्डन का और कैंपटी फॉल का, 4-5 पॉइंट आप घूम सकते हो। तो अगर आपकी जेब में 2500 रुपये हैं तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कभी भी आप आ सकते हो, लेकिन 2 लोग आए 2500 यानी 5000 रुपये। और अगर आप सैटरडे संडे आना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके जेब में जो है 4000 रुपये होने चाहिए, एटलीस्ट 3500 रुपये तो होने चाहिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग का मैं एंड करता हूं। और कंपनी गार्डन का ब्लॉग बहुत शानदार है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है, इसके अंदर बैक्स म्यूजियम भी है, और भी एक्टिविटी है वो दिखाएंगे, वो सेकंड ब्लॉग में ज़रूर देखें। और आज ही बैग उठाओ और तुरंत भाग जाओ। अल्लाह हाफिज़, सेकंड ब्लॉग ज़रूर देखें।